हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। देखिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हमेशा फेक न्यूज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहती हैं। अगर हम देखें तो अक्षय कुमार आजकल इन फेक न्यूज़ के घेरे में बने रहते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार के आजकल अगर आप देखें तो फैंस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई अक्षय कुमार के बारे में थोड़ी सी भी न्यूज़ छापता है तो उसमें ढेरों व्यूज़ आते हैं। और वहीं इसी तरह से कुछ चैनल्स आप ले लें तो वो फेक न्यूज़ बनाने से पीछे नहीं हटते। अगर वो कोई भी फेक न्यूज़ बनाएंगे तो उन्हें पता है कि उन्हें व्यूज़ आएंगे, उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और पैसा वो कमाएंगे। वो कुछ भी अपने आप से कुछ भी छाप देते हैं। किस लिए? सिर्फ व्यूज़ के लिए, ताकि अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं वो उनके चैनल पे आ सके, उनके उस मीडियम पे आ सके। अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में एक और फेक न्यूज़ वायरल हुई उनके एक ऐसी स्टेटमेंट को लेकर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्षय कुमार ने ट्विटर पे लिखा, दिस न्यूज़ अबाउट मी बुकिंग चार्टर फ्लाइट फॉर माई सिस्टर एंड हर टू किड्स इज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। She has not traveled anywhere since the lockdown and she has only one child. Contemplating legal action. Enough of putting up with false concocted reports. यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत हो गया ये जो फेक न्यूज़ फैलाया जा रही है कि मैंने अपने सिस्टर के लिए, उसके दो बच्चों के लिए कोई फ्लाइट बुक की है और वो घूमने गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान कोई भी कहीं भी घूमने नहीं गया है। और जितने भी फेक न्यूज़ बना रहे हैं, अब मैं उनके खिलाफ़ जो है लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है बहुत हो गई। इनफ बहुत है, अब इनफ इज इनफ, यानी कि बहुत हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अक्षय कुमार काफ़ी बुरी तरह से भड़क चुके हैं। जितने भी ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री हैं और जहाँ से भी फेक न्यूज़ आ रही है उनके खिलाफ़ अक्षय कुमार अब लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो सही बात है कि अगर इस तरह से कोई मनगढ़ंत न्यूज़ बनाएगा तो उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए। वैसे आपको क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। धन्यवाद।